पेरेंट्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। अब समर का सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे पेरेंट्स को क्वेश्चन मार्क है कि हमारे बेबी को एसी में सुलाना चाहिए या फैन में। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब करना, और कुछ भी क्वेश्चन है तो ड्रॉप आउट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है एसी और फैन दोनों भी सेफ है, आप बेबी को किसी में भी सुला सकते हैं। पर आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर एसी है तो एसी में जो धूल जमा होती है वो आपको क्लीन करनी है, और फैन के ऊपर जो धूल होती है वो आपको क्लीन करनी है, ताकि हवा के साथ साथ बच्चे को वो जो धूल है, मिट्टी है, उसकी एलर्जी ना हो। सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट हवा जो है या डायरेक्ट एसी के नीचे बच्चे को नहीं सुलाना है। पहले थोड़ा सा एसी लगा के रूम कूल कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप ऑफ करके बच्चे को सुला सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फैन के नीचे, एग्जैक्ट फैन के नीचे बच्चे को नहीं सुलाना है, वो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा साइड में सुलाना है। थर्ड, हवा ड्राइड होती है उसके कारण बच्चे को नेजल ब्लॉक या नेजल ड्राइनेस हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा गाय का घी होता है, वो आपको क्या करना है, लिटिल फिंगर जो है वो वॉश करना है अच्छे से, और फिर गाय के घी में डुबो के जस्ट बच्चे के जो अंदर नेजल पार्ट है उसके ऊपर सिर्फ आपको घुमाना है, ताकि जो ड्राइनेस है वो उसका प्रॉब्लम उसको ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ड्राइनेस की वजह से स्किन ड्राइड ना हो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर है या कोई अच्छा ऑयल है, वो आप ऑयल एप्लीकेशन सॉफ्ट रखने के लिए कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है।